709 टैरो द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की हमारी रीडिंग होने वाली है। अक्टूबर में आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या कुछ होने वाला है इस अक्टूबर के महीने में, आपके लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, करियर, हेल्थ, फैमिली लाइफ, हर चीज़ से रिलेटेड। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए मैं स्टार्ट करूँगी। एंड पहली राशि के लोग हैं अर्थ एलिमेंट, जो अर्थ एलिमेंट के लोग हैं जिसमें आते हैं हमारे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न का चलिए हम देखते हैं कैसे जाने वाला है अक्टूबर का महीना। मदर यूनिवर्स, कैसे रहने वाला है अक्टूबर का महीना फॉर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए कैसे रहने वाला है अक्टूबर का महीना। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं ये कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, अगर इनको आना होगा तो ये आ जाएंगे। ओके, ओके, सो कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, घबराना नहीं, पहले सारे कार्ड्स देखते हैं एंड देन देखेंगे नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। पेज ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स एंड पेज ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चैरियट इन रिवर्स, एट ऑफ वॉन्स, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके गाइस, मैं सारे कार्ड्स पहले लेती हूँ एंड देन आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी कि क्या कुछ होने जा रहा है अक्टूबर के महीने में आप लोगों के लिए। ओके, चलिए देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से कि आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मदर यूनिवर्स, अक्टूबर के महीने में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लोगों की क्या एनर्जीज रहने वाली है। आ गए हैं एंड यहां पर बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है वॉकिंग अवे। चलिए देखते हैं एनर्जीज में क्या आई है एनर्जीज। वी हैव टेंपल पाथ, एप्रिसिएशन इन रिवर्स, हॉस्टैलिटीज, अटैचमेंट इन रिवर्स। ओके, मैं कार्ड्स और पुल आउट करूंगी एंड देन गाइज, इफ यू वॉन्ट अ पर्सनल रीडिंग तो सारे डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशन है। ओके, चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न का। गए हैं एंड यहां पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है डिसिपेटिंग। ओके, ये मैं इधर रख देती हूं। चलिए देखते हैं क्या आए हैं कार्ड्स। वी हैव फसाद, वर्कहोलिक,
फेथ. ओके सो गाइज, अगर मैं अक्टूबर के महीने की बात करूं, जिनकी भी राशि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, आई होप द कार्ड्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके सो यहाँ पे गाइज मैं ये देख पा रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं लव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, किसी को बहुत पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही. ओके अगर ये क्रश वाली फीलिंग है, या यूँ कहूँ कि अभी तक आप सामने वाले को पता नहीं है कि आप किसी को बहुत पसंद करते हो, तो डेफिनेटली यहाँ हिम्मत नहीं हो रही, बट सोचा जा रहा है कि कम्युनिकेट कैसे किया जाए अपनी फीलिंग्स को. फॉर दोज ऑफ यू जो किसी को डेट कर रहे हैं एंड जो शादी का प्लान आउट कर रहे हैं, उनको मैं बता दूँ, बैलेंस नहीं बन पा रहा आपके रिलेशनशिप में, एफर्ट्स कर रहे हो बहुत ज़्यादा, एंड यहाँ बैलेंस किस फॉर्म में नहीं बन पा रहा, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी कुड बी अ फीमेल, कोई फीमेल है. ओके कोई फीमेल है यहाँ पे, अब उनकी मदर भी हो सकती हैं, सिस्टर भी हो सकती हैं, फैमिली मेम्बर ही है कोई, या कोई फ्रेंड, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही हैं, एंड एक वो एक जो एक श्योरिटी होती है कि हाँ बैलेंस बन जाएगा एंड शादी हो जाएगी, वो नहीं हो पा रहा. एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इट्स एन एडिशनल मैसेज कि आप लोग शादी करने का सोचते हो, लेकिन होता क्या है कि रिश्ता तो आता है, चीज़ें बनते बनते बिगड़ जाती हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ. अगर मैं आपके करियर की भी बात करूं, तो डेफिनेटली किसी टाइप का कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है आपका. अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड आपको जॉब ऑफर मिलने वाला है. बट यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि आपको अगर जैसी जॉब आप चाहते हो, लाइक विद अच्छी सैलरी एंड एवरीथिंग, वो मिलना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन हाँ, अगर आप बिल्कुल जॉब की तलाश में थे एंड मिल गई, तो डेफिनेटली मिलेगी, आपने अप्लाई करा एंड मिल जाएगी, लेकिन एज पर योर एक्सपेक्टेशंस यूँ कहूँ तो वो नहीं होगी. फैमिली लाइफ की बात की जाए, तो फैमिली लाइफ इज़ नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड. मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही बुरी है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, एंड जिसकी वजह से थोड़ा आप परेशान होगी, क्योंकि आप लोगों को मेहनत करना जानते हो, सब करना जानते हो, लेकिन जब आप पे कोई आपकी लॉयल्टी पे कोई क्वेश्चन उठाता है, तो आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो. ओके ये मैं देख पा रही हूँ. या एंड अक्टूबर के महीने में आप लोगों के लिए एनर्जी आई है टेंपल पाथ, तो आपको यहाँ पे गाइडेंस ये दी जा रही है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है. अगर आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं हो, तो थोड़ा यू नो मंदिर जाओ, प्रेयर करो, या आप लाइक अगर देखिए मेरा चैनल बिल्कुल भी इस फॉर्म में नहीं करता डिफरेंशिएट कि आप किसी भी धर्म जाति के हो, अपने प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाएं, एक रूटीन बना लें, बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है, एंड उस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर ही आप पूजा करें. पूजा करते हो आप, गुरुद्वारे जाना चाहते हो, मस्जिद जाना चाहते हो, जिधर भी जाते हो आप, ठीक है, तो वहाँ पर जाएँ. नंबर थ्री आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 12 डेट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 26 आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, और 27. किसी टाइप का चेंज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई छोटा मोटा चेंज, मैं ये नहीं बोल रही बहुत बड़ा चेंज, बट डेफिनेटली एक छोटा मोटा चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अक्टूबर के महीने में. आपके एफर्ट्स को कोई रिकॉग्नाइज अगर नहीं कर रहा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ओके एक चीज़ आपको और बता दूं, अक्टूबर के महीने में ऐसे इंस्टेंसेस बहुत आएंगे जहां पे आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा एंड आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी यू नो परेशान नहीं होना, डिफेंसिव होके लड़ना नहीं है. हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है, और ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे लोगों से डिटैच होना है कि इन्होंने तो कभी मेरी परवाह करी ही नहीं, तो मैं क्यों अब आगे इनके लिए करूं. इस एनर्जी में तो गाइज आपको बिल्कुल नहीं रहना, अदरवाइज अपना ही नुकसान कर बैठोगे. ओके डेफिनेटली आप इस एनर्जी में रहोगे वॉकिंग अवे वाली, कि मैं अब ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे को नहीं इस सिचुएशन में रहना, या आई एम फेड अप, ये वाली एनर्जी आपकी रहेगी अक्टूबर में. तो इस चीज़ से गाइज बचें. एंटिसिपेटिंग का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास इसलिए आया है क्योंकि आपको बैलेंस करना है अपने अंदर भी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को, एंड उसके अलावा बाहर भी.
ओके एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि रात रात भर तक हो सकता है आप सो ना पाए, बिकॉज आपको जब मिसअंडरस्टैंड किया जाता है तो यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग, हेड एक वगैरह हो सकता है, तो प्लीज़ इस चीज़ से बचें, हेल्थ इफेक्ट हो सकती है आपकी। आप थोड़ा सा अपना ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है कि आप वर्कोहॉलिक हो जाएं, तो उस टाइम भी आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है अगर आप जान के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उससे भी बचना है। राई का पहाड़ नहीं बनाना, ओके बिल्कुल नहीं बनाना आपने राई का पहाड़, और जितना हो सके विश्वास रखना है भगवान पे, बिकॉज वी हैव अगेन स्पिरिचुअल होना आपको बोला गया है टेम्पल पाथ के साथ, एंड देन फेथ, द एंजल्स आर आस्किंग यू टू हैव फेथ। ओके हेल्थ की अगर बात करूँ, हेल्थ वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप बाहर की यू नो एक्सटर्नल एक्सटर्नल एनर्जी से अपने आप को इन्फ्लुएंस ना करें, आप वो एक्सटर्नल एनर्जीज क्या हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा या आपकी एफर्ट्स अप्रिशिएट नहीं किए जाएंगे, तो इस वजह से हो सकता है आप थोड़े डिस्टर्ब हो एंड हेल्थ उस वजह से डिस्टर्ब हो जाए। अदरवाइज यहाँ पे हेल्थ के लिए एज सच कोई ऐसे कार्ड्स नहीं है जो मैं आपको बोलूँ कि हेल्थ आपकी डिस्टर्ब रहेगी। ओके चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए। मदर यूनिवर्स क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो फॉर टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके कार्ड्स आ गए हैं, सी वी हैव बॉटम ऑफ द डेक ड्रीम एंड जर्नी ड्रम कार्ड, जो ये बता रहा है डेफिनेटली किसी टाइप की साइकिल चल रही है एंड इस साइकिल से आपको बिल्कुल नहीं घबराना। ओके ऑब्वियसली साइकिल एंड भी होती है, इसलिए आपको मना किया जा रहा है घबराना नहीं एंड कुछ ऐसा डिसीजन जल्दबाजी में मत लेना कि आपके लिए ही नुकसानदायक साबित हो फ्यूचर में चल के। ओके देन वी हैव रिट्रीट एंड रिचार्ज, जैसे कि मैंने बोला कि आपको थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है, अगर लोग आपको मिसअंडरस्टैंड भी कर रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना। ओके एंड जितना हो सके मेडिटेट करो गाइस, पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। अगेन जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप सही हो या आपको सामने वाले को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने एफर्ट्स करो, जब सही वक्त आएगा उस इंसान को भी आपकी कदर होगी एंड आपके एफर्ट्स भी रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। ओके चलिए देखते हैं बाबा की क्या गाइडेंस आई है फॉर टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। बाबा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न राशि के लोगों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। गाइस सॉरी फॉर द आउटसाइड डिस्टर्बेंसेस एंड फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके बाबा के कार्ड्स आ गए हैं, सी अगेन सैडनेस एंड ग्लैडनेस, बाबा भी आपको यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आपको इस चीज़ पे काम करना है कि आप अपने यू नो एनर्जीज को बैलेंस में करके रखें अक्टूबर के महीने में। ओके नाउ वी हैव मेडिटेशन, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला है कि आपको मेडिटेट करना है, शांत रहना है, जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला रिट्रीट एंड रिचार्ज का कार्ड आया है हमारे पास। देन वी हैव इज अबंडेंस, तो अक्टूबर का महीना गाइज अगर मैं बात करूँ अबंडेंस वाला है, लेकिन थोड़ा आपको अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है। ओके एकदम से बिल्कुल इरिटेट नहीं होना आपने, एंड अगर कोई आपको मिसअंडरस्टैंड भी कर रहा है तो शांत रहो। ओके जीत आप ही की होगी, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ बड़े टाइम से आप लोग शायद परेशान हैं कि आपको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, बट डोंट वरी, ये अक्टूबर का महीना ही ऐसे है, इसके बाद सब बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लोगों को फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके हमारे पास 4 चिट्स आ गई हैं, गुड न्यूज, तो आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में वो क्या है। नेक्स्ट वी हैव इज सरप्राइज, मैंने बोला है कि कुछ चेंज आने वाला है,
छोटा ही होगा बट आएगा जरूर. तो वी हैव सरप्राइज, ब्यूटिफुल. अरे खुल जाओ. पॉजिटिविटी, तो आपको पॉजिटिव, जैसे कि मैंने बोला पॉजिटिविटी, अगर आप मेडिटेट करेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी. वी हैव इज गुड हेल्थ, जैसे कि मैंने आपको बोला था अभी कि हेल्थ वाइज बहुत अच्छे कार्ड्स हैं. इट इज जस्ट दैट कि आपको परेशान नहीं रहना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से. ओके गाइस, तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी एंड आपसे रेजोनेट करी या नहीं करी, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस ज़रूर बताना. लाइक करना ना भूले, डू लाइक, शेयर करें हमारा यूट्यूब वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले. इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशनड है. मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय. गाइस चलिए देखते हैं वाटर साइंस के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना. वाटर साइंस से गाइस मेरा मतलब है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो. अगर आपका सन या मून साइन कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो है तो ये रीडिंग आपके लिए है. ओके चलिए देखते हैं क्या आने वाला है अक्टूबर के महीने में, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आप लोगों को, मदर यूनिवर्स के कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो के लोगों को क्या मिलने वाला है अक्टूबर के महीने में. कार्ड्स आ ही गए. आई डोंट नो वाई बट मुझे अबंडेंस बहुत सुनाई दे रही है. मुझे ज़रूर बताना. ओके लेट्स सी क्या आता है. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एम्परर. तो जो पहला कार्ड मेरे पास आया है सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ इन रिवर्स. ओके टेन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, डेथ. एट ऑफ कप्स इन रिवर्स, मुझे लग ही रहा था. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना अबंडेंस. I'm hearing abundance. Two of cups in reverse. Okay? And bottom of the deck हमारे पास आया था emperor. चलिए देखते हैं energies कैसे रहने वाली हैं. Mother universe, cancer, pisces, scorpio के लोगों के लिए October में क्या energies रहने वाली हैं. Cards हमारे पास आ गए हैं. We have community. Bottom of the deck. सिक्स्थ चक्रा, थिंकिंग विमेन, फिफ्थ चक्रा. गाइस मैं सारे कार्ड्स एक बार में निकालूंगी एंड देन आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना. जस्ट अ सेकेंड गाइज. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है एक्सेप्टेंस. ओके कि मैं कार्ड इधर रख देती हूँ. डेस्टिनी, अबंडेंस, मैंने क्या बोला था. अब आप बोलोगे कि मैम मैंने कुछ नहीं करा, आपके सामने शफल करती हूँ गाइस में कार्ड्स. सो अगर मैं कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो के लोगों की बात करूँ कि अक्टूबर का महीना कैसे रहने वाला है, तो पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे लाइफ में कहाँ जाना है, किस राह पे, भले ही आपकी पर्सनल लाइफ हो, करियर हो, या फिर आपका फैमिली लाइफ हो. ठीक है, फैमिली में भी कहीं ना कहीं थोड़ी कन्फ्यूजन थी, इम्बैलेंस सा था. बट अक्टूबर के महीने में मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग अब फाइनली एक डिसीजन पे पहुँचे हो. विद द सेवन ऑफ कप्स के जस्ट बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक एक डिसीजन ले लिया है. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ लव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप में से
कुछ लोग एक रिलेशनशिप से वॉक अवे करेंगे एंड अगर नहीं किया है, या कुछ लोगों ने अभी हाल फिलहाल में किया है वॉक अवे, एंड अब आप अपने लाइफ में वो जो एक सेल्फ लव सेल्फ केयर जो आप बिल्कुल भूल चुके थे उस इंसान की वजह से, उस रिलेशनशिप में आने की वजह से, अब आप उस चीज़ पे मेन फोकस करने वाले हो अक्टूबर के महीने में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आएगी अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब गाइस सिर्फ पैसे के टर्म्स में नहीं होता, हर लिहाज से होता है। लाइक यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी इनटू योर लाइफ। अब वो अबंडेंस कैसी है? गुड हेल्थ, गुड ब्यूटी एंड एवरीथिंग नाइस, ओके, हेल्थ एंड हर चीज़ से खुशी, सब कुछ, जहाँ पे कमी किसी चीज़ की ना हो, उसे मैं अबंडेंस मानती हूँ। एंड यही डेफिनेटली आप लोगों आने वाले हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए, अगर आप रिलेशनशिप में, एक तो सिनारियो ये था कि अगर आप रिलेशनशिप से वॉक अवे करें, दूसरा सिनारियो यहाँ पे जो मेरे को दूसरा मैसेज मिल रहा है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उसमें एक रिन्यूअल होने वाला है, ओके। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी या आपका पार्टनर आपको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे थे, तो वो अब आपको प्रॉपर अटेंशन देने वाले हैं। एंड हो सकता है यहाँ पे फॉर लाइक 35% ऑफ द पीपल, मैं यहाँ पे कह दूँ कि हो सकता है आपका रिश्ता पक्का हो जाए इफ़ यू आर एलिजिबल। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, फैमिली में भी खुशियों का माहौल है, ठीक है। एक मैं कहूँगी फैमिली में एक किसी टाइप का कुछ डिस्टर्बेंसेस जो आ रही थी वो अब सब ख़त्म होके एक रिन्यूअल होने वाला है एनवायरनमेंट का, एंड डेफिनेटली फैमिली का माहौल भी काफ़ी खुशनुमा है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे अबंडेंस है, एंड यहाँ पे अबंडेंस किस तरीके से है वो मैं आपको बताती हूँ। आप में से कुछ लोगों ने तो रिज़ाइन कर दिया है किसी जॉब से एंड यू आर लुकिंग फॉर अनदर जॉब, एंड जस्ट अगर आपने रिज़ाइन करा है तो आप डेफिनेटली एक नई जॉब आपको मिल सकती है अक्टूबर के महीने में। सेकेंडली आप लोगों को कन्फ्यूजन थी अपने करियर को चूज़ करने में कि कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट है, अब आप फाइनली एक करियर चूज़ करने वाले हो। कुछ लोगों ने अपना हाल फिलहाल में या सोच रहे हैं करियर को कम्प्लीटली चेंज करने का, एंड लाइक फॉर अबाउट 20% ऑफ द पीपल मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि प्रमोशन मिल सकता है, अगर प्रमोशन नहीं है तो इंक्रीमेंट हो सकती है आपकी सैलरी, ओके। सिक्स्थ चक्रा एंड फिफ्थ चक्रा, ओके, आपको चक्रा मेडिटेशन करनी है अक्टूबर के मंथ में। अगर आपको नहीं पता कैसे करनी है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग या पर्सनल अगर आपको हीलिंग सेशन लेना है, सारे डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशनड है। आपको सिक्स चक्रा एंड फिफ्थ चक्रा पे फोकस करना है। सिक्स चक्रा आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, तो अगर आपकी हेल्थ थोड़ी बहुत भी इफेक्टेड होगी इट विल ऑल बी बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग, आप ओवरबोर्ड चले जाते हो सोचते वक्त, ओवर थिंकिंग। एंड फिफ्थ चक्रा यहाँ पे ये बता रहा है थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। आप लोग जो अंदर सोचते हो जब वो बोलने पर आते हो तो बोल नहीं पाते, लाइक यू कॉन्ट कम्युनिकेट क्लियरली, तो अक्टूबर के महीने में आपको ये चीज़ खास तौर पे आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू मेक श्योर कि आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आप अपने अपने एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ, ओके। आप लोगों को येलो बटरफ्लाइज नज़र आ सकती हैं। कुछ लोग यहाँ पे, अगर आप इफ़ यू आर अ गुड राइटर तो आप पोयम या फिर कुछ लिख सकते हो या सोच रहे हो लिखने का, देन गो अहेड। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को और अपनी लाइफ को किस्मत के हवाले अब आप छोड़ देंगे अक्टूबर में, विच इज़ वेरी गुड। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, मैम मैनिफेस्टेशन तो करती हूँ, अब सरेंडर क्या होता है? सरेंडर का मतलब बच्चे ये होता है कि आपने भगवान पे पूरा विश्वास कर दिया कि मैंने अपना काम कर लिया है, अब आपको जैसा लगे मेरे को उस हिसाब से, जो आपको लगता है मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मेरे को वैसा फल दो। तो बिल्कुल वैसी एनर्जी में आप अक्टूबर के महीने में रहने वाले हो एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, बस आपको ओवरथिंक नहीं करना। एंड अबंडेंस अगर आपकी लाइफ में अक्टूबर के महीने में नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी बता दूँ, शुरुआत हो जाएगी अक्टूबर के महीने से एंड यू विल डेफिनेटली बी
इन द पोजिशन ऑफ पावर विद द एम्परर एट द बॉटम ऑफ द डेक, तो डेफिनेटली आप अपने आप को काफ़ी पावरफुल महसूस करने वाले हो. ओके ये पावरफुल गाइज हर तरीके से मैं कहूँगी, भले ही आपका करियर हो या लव लाइफ हो. कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि हो सकता है या तो आप काफ़ी पार्टी करें अक्टूबर के महीने में, या काफ़ी इन्विटेशंस आपको आए पार्टीज के. यू विल बी सराउंडेड विद योर फ्रेंड्स. ओके अक्टूबर 4, 11, 12, 7, 3, 4, 22 डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं अक्टूबर के महीने में. मुझे ज़रूर बताइएगा इन डेट्स को कुछ होता है तो आपकी लाइफ में. ओके चलिए देखते हैं एक्सेप्टेंस का कार्ड. सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गई, एक्सेप्टेंस ये बता रहा है कि जो भी हाल फिलहाल में या पहले टाइम में जो भी हुआ, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी कन्फ्यूजन की कहाँ जाना है लाइफ में, ये आपको नहीं पता था, तो उस चीज़ से अब आप बाहर आओगे. यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग, एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि जो हुआ दैट इज़ ऑल पास्ट एंड वॉट यू ऑल हैव इन फ्रंट इज योर फ्यूचर. ओके चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. जस्ट अ सेकेंड गाइस, कार्ड मेरा एक नीचे गिर गया है. ओके तो जो पहला कार्ड मेरे पास आया है वो है इग्नाइट योर पैशंस. जैसे कि मैंने बोला कुछ लोग करियर चेंज करने वाले हैं ना, अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं, तो आपको भी एंसेस्टर्स आपके सपोर्ट करेंगे फॉर यू टू फॉलो योर पैशन. ऑनर योर इनर नोइंग, तो आपको हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो, तो आपको बोला जा रहा है अक्टूबर के महीने में जितना आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. वेट फॉर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे एट ऑफ वॉन्स का कार्ड आया था क्या? ओके सो यहाँ कार्ड नहीं आया बट यू हैव डेथ कार्ड, तो वो किसी टाइप का यू नो ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, तो डेफिनेटली आपको कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है अक्टूबर के महीने में. फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, जैसे कि मैंने बोला इंट्यूशन को आपने फॉलो करना है. एंड देन वी हैव मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, तो हो सकता है आपके घर में कोई किसी टाइप की कंडीशनिंग हुई हो, जैसे कि इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल गाइस कि हमारे घर में किसी ने भी लव मैरिज नहीं करी, तुम लव मैरिज करोगी या करोगे, तो एक तरीके का एंसेस्ट्रल पैटर्न है ये, तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है. ओके चलिए देखते हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्टेड ग्राउंडेड एंड रूटेड. जैसे कि मैंने बोला कि आप अपनी पावर में आओगे, अपने आप को महसूस करोगे आप अपनी पावर में हो, तो आपको बोला जा रहा है कि उससे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना. बिल्कुल सी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, तो आपको बोला जा रहा है ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना एंड जितना हो सके ग्राउंडेड रहो. ओके आपको अगर मैं रेमेडी के तौर पे अक्टूबर के महीने में बोलूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको एक तो चक्रा मेडिटेशन करनी है, दूसरा वॉक इन दी पार्क. ओके ग्रीनरी में जितना रहोगे, क्लोज टू नेचर जितना रहोगे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. चलिए देखते हैं बाबा की क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. सारी कार्ड्स नहीं ले सकती गई. ओके कार्ड्स आ गए हैं. सोल जर्नी, तो बाबा आपको बोल रहे हैं अपने लाइफ के पर्पस को यू नो ढूंढो एंड अपनी सोल को पहचानो, क्योंकि आपको बाबा राज दिखाएंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपको अकेले ही है. ओके ब्यूटिफुल मैसेज, थैंक यू बाबा. ओम साई राम. वी हैव लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको मैनिफेस्टेशन करने को बोल रहे हैं बाबा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने को बोल रहे हैं. शिव शक्ति बैलेंस बनाने को आपको बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि आप थोड़ा पावर में आ जाओगे जिसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है आपको अक्टूबर के महीने में, तो इस चीज़ से आपको बाबा बोल रहे हैं कि बैलेंस बना के रखना है आपको इस चीज़ में. फ्री विल, तो बाबा आपको ये बोल रहे हैं
कि जरूरी नहीं होता जैसे आप प्लान आउट करते हो हूबहू वैसे ही हो, बाबा के भी अपने प्लान्स हैं आपके लिए. तो उस पर ट्रस्ट करो एंड उसी पर चलो. चलिए देखते हैं अक्टूबर के महीने में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं. फोर्चिट्स आ गई हैं. चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो के लोगों को. ट्रैवल, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं अक्टूबर के महीने में. अचीवमेंट, तो किसी टाइप की अचीवमेंट, जैसे कि मैंने बोला कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है. सरप्राइज, तो किसी टाइप का सरप्राइज भी आपको मिल सकता है. देन वी हैव इज अवार्ड, ब्यूटिफुल. तो आपके एफर्ट्स बेसिकली रिकॉग्नाइज होते हुए यहाँ देख पा रही हूँ मैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी. सो गाइज, ये थी रीडिंग उन लोगों की जिनका वाटर साइन एलिमेंट है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो. ये रीडिंग आपको कैसी लगी एंड क्या आपसे रेजोनेट करा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ. एंड गाइज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ. टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हे गाइस, चलिए देखते हैं अक्टूबर का महीना कैसे रहने वाला है फायर साइंस से, फायर साइंस के लोगों के लिए. फायर साइंस से यहाँ पे मेरा मतलब है एरीज, लियो और सैजिटेरियस के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये अक्टूबर का महीना. मदर यूनिवर्स, एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए अक्टूबर का महीना कैसे रहने वाला है. कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास. बॉटम ऑफ द डेक आया है जस्टिस, ब्यूटिफुल. चलिए देखते हैं. वी हैव फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स, द चैरियट, Ace of Cups, Judgment, Two of Swords in Reverse. Beautiful. So guys, अगर मैं अक्टूबर के महीने की बात करूँ तो आपको मैं सारी डिटेल्स बताऊँगी, बट पहले मैं सारे कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ ताकि आपको डिटेल में सब कुछ बता पाऊँ. मदर यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं एरीज लियो सैजिटेरियस के लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. बॉटम ऑफ द डेक आया है मैजिशियन एंड द मिरर. वी हैव जस्टिस, मैजिशियन एंड द मिरर, ब्यूटिफुल. चलिए देखते हैं. डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस इन रिवर्स, broken heart in reverse, fourth chakra. okay guys, I hope आपको cards visible हैं. man holding a coin, goddess of the moon. जस्ट अ सेकेंड गाइज, एक कार्ड गिर गया है, मैं उसको उठा के एंड देन आई विल जस्ट कंटिन्यू. ओके गाइज, चलिए देखते हैं.
कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना फॉर एरीज लीवा सजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इज डिस्कवरी। इंस्टिंक्ट, आइसोलेशन, ग्रीफ इन रिवर्स, रिन्यूअल। तो गाइज अगर मैं अक्टूबर के महीने की बात करूं, एरीज लियो सजिटेरियस के लिए बहुत ऑस्पिशियस रहने वाला है। जी हाँ, बहुत शुभ रहने वाला है अक्टूबर का महीना। ओवरऑल लाइफ के बारे में बात करूँ तो आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना है, बिल्कुल अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना। इस वजह से हमारे पास कार्ड्स आए हैं गॉडेस ऑफ द मून एंड इंस्टिंक्ट। साथ ही आपको बोला जा रहा है हो सकता है आपकी एनर्जीज अप डाउन हो फुल मून के टाइम पे, तो उस पर ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि वी हैव जस्टिस एंड मैजिशियन एंड द मिरर। अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है मुझे इस अक्टूबर के महीने में। जो भी दुख तकलीफ़ें थी, भले ही आपके करियर से रिलेटेड या जॉब नहीं मिल रही थी या फिर रिलेशनशिप में इश्यूज थे, हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, तो ओवरऑल फॉर्म में बताऊं तो हर चीज़ का एक रिन्यूअल होने वाला है। ओके, एक फिर से वो एक ताजगी आने वाली है आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं खो गई थी। लव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो चांसेस हैं कि आपका, अगर आप डेट कर रहे हैं किसी को, तो आपका रिलेशनशिप मैरिज की तरफ या लाइक अगर एक दूसरी तरीके से बोलूं तो वन लेवल अबव आने वाला है। ठीक है, एक लेवल और बढ़ जाएगा आपका रिलेशनशिप। ग्रोथ होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। अगर आप किसी को, कुछ लोगों ने यहाँ पे किसी को छोड़ा है अपनी लाइफ में लव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उनको छोड़ने के बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। और अगर आपने नहीं छोड़ा है तो जैसे ही छोड़ोगे आपकी लाइफ में अबंडेंस आना शुरू हो जाएगी क्योंकि दैट पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, ये मैं देख पा रही हूँ। अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफ़ी सारे मैरिज के प्रपोजल्स। एंड या आपको बहुत सारे प्रपोजल्स आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रमोशन, एंड अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करा है तो डेफिनेटली जॉब आपको मिल सकती है। जस्ट अ सेकेंड गाइज, गाइज कोई आ गया था। सो अगर मैं गाइज करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो डेफिनेटली प्रमोशन, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगर आपके ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हो रही थी आपके अगेंस्ट, तो डेफिनेटली वो पॉलिटिक्स आपके बॉस की नज़र में आएगी एंड आपकी इनोसेंस प्रूव होगी। ओके, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाए। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि आपको अगर बहुत अच्छी वाली जॉब चाहिए तो वैसी नहीं देख पा रही, नॉट कम्प्लीटली एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, बट डेफिनेटली जॉब का ऑफर आपको मिलने वाला है इस अक्टूबर के महीने में। एंड अगर फैमिली की बात करूँ तो काफ़ी पीसफुल रहने वाला है घर का माहौल आपका। पार्टी करोगे आप, काफ़ी इनवाइट्स आने वाले हैं आपको अक्टूबर के महीने में, तो रेडी हो जाओ। ओके, एंड हेल्थ वाइज गाइज, हेल्थ काफ़ी अच्छी रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है हेल्थ। हेल्थ में इश्यूज नहीं है, बट प्रोवाइडेड आप लोगों को ओवरथिंकिंग की अगर आदत है तो उससे बाहर निकलना। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है अक्टूबर के महीने में। ओके, एंड विद द जस्टिस कार्ड, अगर आप किसी भी टाइप के जस्टिस का वेट कर रहे हो, भले ही आपके रिलेशनशिप में हो या फिर आपके जॉब में हो, जैसे कि मैंने बोला कुछ लोगों के यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही थी, तो वहाँ से आप अक्टूबर के महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हो जस्टिस आपको मिलेगा।
अबंडेंस आने वाली है अक्टूबर के महीने में आपकी एंड आपकी लाइफ में। एंड साथ ही गाइज आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र को हीलिंग की ज़रूरत है। अदरवाइज यू आर कम्प्लीटली फाइन, बट हार्ट चक्र को हील होने की ज़रूरत है। थोड़ा अंदर से आपको उदासी जो आपकी थी वो अब ख़त्म होती हुई ना यहाँ नज़र आ रही है, विच इज़ वेरी गुड। बट थोड़ा सा यू नो गाइज जो आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा इंट्रैक्ट नहीं करते, तो वो चीज़ मत करो। उस एनर्जी से गाइज थोड़ा बाहर निकलो, ओके। एंड डेफिनेटली आप कुछ नया ही डिस्कवर करने वाले हो, समथिंग वेरी न्यू, कुछ बहुत प्यारा और बहुत अच्छा होने वाला है अक्टूबर के महीने में एरियस लियो सैजिटेरियस के लिए। बहुत प्यारी एनर्जीज आई हैं। अगर डेट्स की बात करूं तो 11, 7, 5, 3 and 8 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं ये डेट्स अक्टूबर के महीने में। चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। बेसिकली गाइस ग्रोथ आने वाली है अक्टूबर के महीने में। अब वो ग्रोथ गाइस पैसे के टर्म्स में भी हो सकती है, शादी के टर्म्स में भी हो सकती है, बट देयर इज ग्रोथ। चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं। सी, यहाँ पे भी मून आया है जो बोल रहा है कि आपको आपकी जो इंट्यूशन जो कहेगी उस पर ज़रूर ध्यान देना, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है आपने, ओके। एंड जो हमारे पास गाइडेंस कार्ड्स आए हैं वो हैं ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अगेन जो आपकी इंट्यूशन कह रही है आपको बिल्कुल उसको नज़रअंदाज नहीं करना, बार बार ये मैसेजेस आ रहे हैं गाइज। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, तो आपको बोला जा रहा है अगर आप कोई डिसीजन लेते हो और उसमें अगर आपको लग रहा है ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज मत करो, जस्ट स्टैंड ऑन योर ग्राउंड कि आपने वो चीज़ ठानी है तो आप करके ही रहोगे। फायर साइन हो, फिक्स साइन, ये भूल जाते हो क्या? ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, तो डेफिनेटली कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे लेकिन आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप ग्रो करें। एंड अगेन वी हैव मून हियर, वी हैव मून हियर, वी हैव मून हियर, वी हैव मून हियर। सो गाइज मून, फुल मून के टाइम पर कुछ क्या तो आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, या किसी के अगर कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो तो वो होने वाला है। समथिंग वेरी अनयूजुअल जो आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट इन अ पॉजिटिव वे, एक चीज आपको बता दूं। चलिए देखते हैं बाबा की क्या गाइडेंस है फॉर फायर साइंस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। बॉटम ऑफ द डेक है ड्रीम्स। सो अगेन बाबा आप बोल रहे हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे आपकी ड्रीम्स में, तो आपको अक्टूबर के महीने में अपनी ड्रीम्स पर भी गाइज खास तौर पे ध्यान रखना है कि आपको क्या ड्रीम्स आ रहे हैं। एंड वी हैव यू आर नॉट अलोन, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, अगर आपके पास कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो आपकी ग्रोथ के लिए हैं एंड बाबा आपके साथ हैं हर कदम पे, हर मोड़ पे। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं फॉर फायर साइंस। वन मोर कार्ड, ओके। चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं। कोऑपरेशन, तो आपको कॉपरेट थोड़ा सा करने को या तो बोला जाएगा या फिर आपको करना होगा। गुड न्यूज़, जैसे कि मैंने बोला कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, अगर आप मैरिड हैं तब भी, अनमैरिड हो और एलिजिबल हो तब भी, देयर इज हैप्पीनेस कमिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड वी हैव ट्रूथ, तो किसी टाइप की सच्चाई। एंड डेफिनेटली गाइज अगर ये ट्रूथ है तो मैं आपको ये चीज़ कह सकती हूँ कि फुल मून और न्यू मून के टाइम पे कुछ टाइप की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, तो ध्यान रखिएगा, ओके। सो गाइज ये थी रीडिंग
उन लोगों की जिनका है फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारा यूट्यूब चैनल। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, गॉड ब्लेस यू, बाय गाइज। चलिए देखते हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना। मदर यूनिवर्स प्लीज बताएं अक्टूबर का महीना जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है। कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, स्ट्रेंथ इन रिवर्स, टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, हैरोफैंट, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके सो ओके जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं सारे कार्ड्स पुल आउट कर लूँ। मदर यूनिवर्स कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए। द सन ब्यूटिफुल, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस इन रिवर्स, मैजिशियन एंड द मिरर, financial constraints in reverse, third chakra, appreciation in reverse, okay? Mother universe कैसे रहने वाला है अक्टूबर का महीना, Mother universe अक्टूबर का महीना कैसे रहने वाला है for Gemini, Libra, Aquarius? किसी टाइप का गिल्ट लिए चल रहे हो आप लोग, मुझे नहीं पता बट मेरे को ये मैसेज मिला। वी हैव फैसाड इन रिवर्स, किसी टाइप का गिल्ट है अंदर एंड समझ नहीं आ रहा कि उसका क्या किया जाए। परसेप्शन, परफेक्शन, क्रिएशन, पैशन, सेल्फ वर्थ, ओके, सर्विस, ग्रैटिट्यूड, ओके। सो गाइज अगर मैं बात करूँ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस जिनका भी यू नो सन मून साइन है, जो भी आप मानते हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो ये रीडिंग आपकी है अक्टूबर के महीने में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बताऊँ आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं है, सारे फाइनेंशियल वरीज ख़त्म होने वाले हैं, परेशानियाँ ख़त्म होने वाली हैं अक्टूबर के महीने में। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत से मैसेजेस देना चाहेगी अक्टूबर के महीने में, तो उसको नज़रअंदाज मत करना, लिसन टू योर इंट्यूशन। फाइनेंसेस गाइस सुपर्ब हैं, फाइनेंसेस के लिए मैं आपको कुछ भी यहाँ पे मेरे को कोई एडिशनल मैसेज नहीं मिल रहा, वरना आई वुड हैव गिवन। हाँ फाइनेंसेस से रिलेटेड गाइज एक चीज़ बता दूँ, आप हो सकता है कि बेवजह थोड़ा थोड़ा सा टेंशन में आए, बट ऐसा कुछ नहीं है। बाय मिड अक्टूबर चांसेस हैं कि सारे फाइनेंशियल वरीज आपके ख़त्म हो जाएंगे, ओके अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो गाइज लव लाइफ में आपका चैन ख़त्म हो रखा है, सुकून ख़त्म हो रखा है। कहीं ना कहीं आपने अपने इंट्यूशन को नज़रअंदाज करके शायद आपने उस पार्टनर को चूज़ कर लिया अपनी लाइफ में, या तो आपने किसी रिलेशनशिप से आप वॉक अवे करके कहीं और चले गए, हो सकता है आपने उस इंसान से शादी भी कर ली हो एंड यू आर नॉट हैप्पी नाउ। अब आपको आपका पार्टनर याद आ रहा है एंड हो सकता है आपका वो पार्टनर कुड बी ट्विन फ्लेम, कुड बी योर ट्रू सोलमेट, ओके ये मैं देख पा रही हूँ विद द टू ऑफ कप्स। एंड नाउ
अब जब आपको रियलाइज हो रहा है कि आपके आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने गलत चॉइस कर ली अपनी लाइफ में, अब आपके पास हिम्मत नहीं है कि आप एक्सेप्ट कर पाए, बिकॉज यू आर समवॉट ईगोइस्टिक, ये भी देख पा रही हूँ, बिकॉज यू हैव सेल्फ, या ईगोइस्टिक हो, सेल्फ वर्थ इश्यूज आपको होंगे, लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप ये चीज़, ठीक है? हो सकता है आप थोड़ा अपने आप को डाउट करो अक्टूबर के महीने में, बट आपको मना किया जा रहा है। एंड अगर लव लाइफ की बात करो तो ये जो गिल्ट है, तो ये आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिमूव किया जाए, सामने वाले को सॉरी कैसे बोला जाए। डेफिनेटली विद द 10 of Wands आप वॉक अवे तो करे हैं। आपको अक्टूबर के महीने में, अगर मैं लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई ऑफर आए, बट इट विल नॉट बी दैट लॉन्ग टर्म की शादी तक पहुंचे, ये भी मैं आपको बता दूं। एंड लव लाइफ से रिलेटेड ही अगर मैं आपको बताऊं, तो किसी टाइप की जो परसेप्शन थी, हो सकता है आपने अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करके अपने लव लाइफ को छोड़ दिया, एंड आपने उस इंसान से शादी कर ली जिसके साथ आपको लग रहा था कि आपका करियर बहुत अच्छा जा सकता है या आपके करियर में ग्रोथ हो सकती है। तो इस परसेप्शन के साथ आप चले थे, बट नाउ यू आर रिपेंटिंग, यू आर इन गिल्ट, ओके? एंड आप हो परफेक्शनिस्ट, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, मिस परफेक्शनिस्ट, एंड अब अपनी लाइफ को अब आप स्टेबल करना चाहते हो। विद द 6 of Swords एंड हैरोफेंट ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, ओके? अगर आप सिंगल हो तो आप अपने फाइनेंसेस पे वर्क करके एंड जल्दी से शादी करने का सोच रहे हो इस स्टेबिलिटी पे। एंड अगर आप शादीशुदा हो, देन आप डेफिनेटली अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करने का सोच रहे हो। एंड अगर जो सिनारियो मैंने आपको बताया कि आपने किसी और को इग्नोर करके किसी और से शादी कर ली है, तो वहाँ पे जिसको आपने इग्नोर किया था, जो आपका ट्रू लव था, वहाँ पे उसको उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है एंड वहाँ पे बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, आप उसके बारे में सोच रहे हो इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड हो सकता है कि आप उस इंसान से मिल भी जाओ, आई डोंट नो, बट दिस इज़ द एडिशनल मैसेज दैट आई एम गेटिंग। अब ये यूनिवर्स की कॉन्स्पिरेसी होगी कि क्या, यूनिवर्स जाने, बट दिस वॉज द मैसेज दैट आई एम गेटिंग। अपने पैशन को आप फॉलो करोगे एंड जो सेल्फ वर्थ इशूज़ हैं गाइज, आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत सेल्फ डाउट और सेल्फ वर्थ इशूज़ वाले सिनारियों में आने वाले हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपको डोनेट करना है जितना हो सके, अपने बड़े बुजुर्गों की, सीनियर सिटीजन्स की आपको सेवा करनी है, अपने पेरेंट्स की सेवा करनी है, अगर वो भी यू नो सीनियर सिटीजन हैं, या वैसे भी गाइस सेवा करना पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, या फॉर दैट मैटर कोई भी नहीं, बट किसी की हेल्प करना अपने आप में ही बहुत अच्छा माना जाता है। आपको अपने हार्ट चक्र को गाइस हील करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप कुछ नया चाहते हो, एक नई चीज़ करना चाहते हो अक्टूबर के महीने में, जिसकी वजह से हो सकता है आप रिस्क भी लो। साथ ही आपको ये बोला जा रहा है कि जिस चीज़ का आप राई का पहाड़ बनाए बैठे थे पिछले कुछ महीनों में, वो वैसा कुछ था ही नहीं। अक्टूबर के महीने में ये चीज़ आपको रियलाइज़ होने वाली है। आपको मैनिफेस्टेशन करनी है एंड अपने चक्रा मेडिटेशन भी करो, बट एट द सेम टाइम अपने हार्ट चक्रा पे गाइस खास तौर पे फोकस करना। एंड जो भी क्लैरिटी जो अभी तक आपको नहीं मिली थी या आप चाहते थे कि आपको मिले, तो सन के साथ डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि अक्टूबर के महीने में आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। 15, 8, 5, 7, 1, 11 ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ओके? चलिए देखते हैं अब एंजल्स की क्या गाइडेंस आती है फॉर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कार्ड्स आ गए हैं, बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास मेक प्लान्स एंड फोकस। तो कहीं ना कहीं फोकस डगमगाया हुआ है, जो कि मैं देख ही पा रही हूँ। तो आपको बोला जा रहा है फोकस करो एंड अपने प्लान्स बनाओ। ऑनर योर इनर नोइंग, तो डेफिनेटली आपको आदत है अपनी इंट्यूशन को नज़रअंदाज करने की, होता है, बिकॉज व्हेन आई डील विद माई क्लाइंट्स इन अ पर्सनल रीडिंग सेशन, तो वो अक्सर बोलते हैं, एंड वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस ही निकलते हैं मोस्टली,
तो आपको बोला जा रहा है जो आपकी इंट्यूशन कह रही है उसको ध्यान से सुनो, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा अपना पावरफुल बन के स्टैंड योर ग्राउंड, ओके, एंड अथॉरिटी के साथ डिसीजन लो एंड डिसीजन पे एक्ट करो। इंटेंड एंड क्रिएट, तो आपको बोला जा रहा है अगर आपकी कोई इंटेंशन है तो डेफिनेटली यहाँ कुछ आप क्रिएट करने वाले हो, समथिंग क्रिएटिव आप करने वाले हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, तो जैसे कि मैंने बोला कोई गिल्ट वाली अगर एनर्जी है तो आपको बोला जा रहा है कि उस सामने वाले को सॉरी फील करो, ऑनेस्टली सच सच बताओ एंड बहुत ब्रेवली बताओ। ये मत सोचो कि सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा, आप ये सोचो कि आपको अपना गिल्ट जो है आपके अंदर आपको वो निकालना है। ओके चलिए देखते हैं बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। बाबा आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो फॉर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। शेल्फ लाइफ, तो बाबा आपको बोल रहे हैं हर चीज की एक लाइफ होती है, जब वो उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाता है तो वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा, या फिर यू नो कोई भी चीज है जिसकी जो एक मटेरियलिस्टिक है, ओके, तो उसका हर चीज का एक वक्त होता है, उस वक्त के बाद वो चीज चली जाती है या खत्म हो जाती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखोगे क्या आया है, यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मी। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको मैनिफेस्ट करना है, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, तो थिंग्स विल कम टू फ्रूटेशन। एंड शायद हमारे पास यह ग्रैटिट्यूड का भी कार्ड आया था, या इट्स यू, ओके। तो बाबा ने भी आपको बोला है कि आपको मैनिफेस्ट करना है, ओके। चलिए देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस। ट्रू फ्रेंड, तो आपको एक सच्चा दोस्त मिलने वाला है, एक प्रॉपर गाइड जो आपको गाइड करेगा कि आप कहाँ गलत गए, विच इज वेरी नाइस, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग आज की डेट में। पैशन, तो आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो, बिल्कुल यहाँ पे दोबारा मैसेज आया है, यहाँ पे भी आया था पैशन, सी वी हैव पैशन हियर एंड क्रिएशन, डेफिनेटली कुछ आप अपने पैशन को फॉलो करके कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करने वाले हो, मुझे ज़रूर बताना गाइस कमेंट सेक्शन में वो क्या है। बैलेंस, तो आपको बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, एंड अगर नहीं आया है तो फोकस करो कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो। देन वी हैव इज गिफ्ट, तो आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है, डेफिनेटली लिब्रा का सीजन है तो गिफ्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही, है ना। सो गाइज ये थी रीडिंग अक्टूबर के महीने की फॉर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हो सके तो जितना शेयर कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको भी बोले सब्सक्राइब करने को। एंड इफ़ यू वॉन्ट अ पर्सनल रीडिंग, तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ, टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।